हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रतुल सिंह, एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस वाइज रैंकिंग के बारे में, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग के दौरान इन कॉलेजेस को किस ऑर्डर में फिल करना होगा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सभी 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं जो कि इसी सेशन 2024 से स्टार्ट होने जा रही हैं। इस वीडियो में मैं एक एक करके सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के प्रोज और कॉन्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप सभी को प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हेल्प मिलेगी और आप एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में एंटर कर पाएंगे। एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपको कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। लिस्ट के टॉप में ऑब्वियसली मध्य प्रदेश की टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, दैट इज महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। यह कॉलेज लगभग हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप में होता है और साथ ही स्टेट कोटा काउंसलिंग के अलावा ऑल इंडिया कोटा में भी इस कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। यह कॉलेज भी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में ही स्टूडेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होता है। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, दोनों ही कॉलेजेस बेस्ट हैं और लगभग एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटी एक्सपोजर। बाकी आप सभी के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा मेडिकल कॉलेज बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद आती है श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा, विच इज कंपेरेटिवली बेटर कॉलेज। अगर ओल्ड और वेल स्टेब्लिश्ड कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सभी की प्रेफरेंस होती है श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा के बाद प्रेफरेंस में आती हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर और एबीवीजीएमसी विदिशा। इन दोनों कॉलेजेस के बीच स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि एबीवीजीएमसी विदिशा को पहले फिल किया जाए या फिर बीएमसी सागर को। मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कॉलेजेस बेस्ट हैं, जहाँ एक और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ओल्ड एंड वेल स्टेब्लिश कॉलेज है और एबीवीजीएमसी न्यू कॉलेज है। बट एबीवीजीएमसी विदिशा काफ़ी एडवांस स्टेज पे है रिगार्डिंग इट्स एकेडमिक्स एंड वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल, जो पॉइंट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है किसी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए, और इसी वजह से शायद एबीवीजीएमसी विदिशा को रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आप चाहें तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी कॉलेज को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे रख सकते हैं। एबीवीजीएमसी विदिशा और बीएमसी सागर के बाद आप अनडाउटेडली जीएमसी रतलाम को प्रेफर करेंगे। जीएमसी रतलाम जिसे कि एबीवीजीएमसी विदिशा और सागर से कंपेयर किया जाता था, कंपेरेटिवली बेटर चॉइस है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, एबीवीजीएमसी विदिशा का जो हॉस्पिटल वाला फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू अदर न्यू कॉलेजेस। जीएमसी रतलाम के बाद आप प्रेफर करेंगे जीएमसी शिवपुरी को, क्योंकि यहाँ का भी एकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और साथ ही यहाँ का कैंपस भी काफ़ी सुंदर है। जीएमसी शिवपुरी को भी रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाने लगा है। इसके बाद आप जीएमसी खंडवा और जीएमसी दतिया को रखेंगे। इन कॉलेजेस को नीचे रखने का कारण यह है कि जीएमसी खंडवा का खुद का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है, जो कि एक प्राइम फैक्टर होता है, और साथ ही दतिया मेडिकल कॉलेज लोकेशन वाइज बेटर नहीं है। इसके बाद आप फिल करेंगे सीआईएमएस छिंदवाड़ा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल को। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का कंपैरेटिवली सिटी वाइज एक्सपोजर बेटर है। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना को, जो कि लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर सिर्फ अभी तक एक ही बैच है। इन सभी कॉलेजेस के अलावा मध्य प्रदेश में इस सेशन से 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, जो कि हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर और नीमच। चलिए अब हम बात करते हैं इन कॉलेजेस के बारे में। इन तीनों न्यू मेडिकल कॉलेजेस में से जीएमसी सिवनी एक बेटर चॉइस है, क्योंकि यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में है और सिवनी सिटी की कनेक्टिविटी बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। देन जीएमसी मंदसौर और जीएमसी नीमच में से आप किसी भी कॉलेज को ऊपर या नीचे रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा ओवरव्यू था। बाकी आप लोग सभी कॉलेजेस के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए और अपने बेटरमेंट को देखते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मेरे चैनल पर मध्य प्रदेश के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कैंपस टूर अवेलेबल है, आप विजिट करके देख सकते हैं।
आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।